हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा एकेडमी। एंड हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप सब लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आज मैं फिर से एक मीनिंग बताने वाली हूँ, बट आपका न्यू वर्ड क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप सबको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। और एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई या तो कमेंट बॉक्स में दूंगी या तो कोई स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगी, तो क्वेश्चन जरूर करना। तो चलिए चले आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन है, गे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? G-A-Y, गे, गे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, लड़का लड़की को पसंद करते हैं, लड़की लड़का को, है ना। हम यूजुअली यही देखते हैं हमारे सराउंडिंग में कि लड़का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसे आप बोलते हैं, अपोजिट जेंडर के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बट गे के साथ क्या होता है, लड़का लड़का को ही पसंद करता है। आप सब यूट्यूब पे भी देखे होंगे कितना वीडियो, लड़का लड़का से शादी कर लिया है। तो ये पर्सन जो है इसे हम गे बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेम सेक्स के तरफ अट्रैक्शन होता है। और लड़की के केस में हम उसे लेस्बियन बोलते हैं, लड़की अगर लड़की को पसंद कर रही है तो हम लेस्बियन बोलते हैं, लड़का लड़का के तरफ अगर अट्रैक्शन है तो उसे हम गे बोलते हैं, G-A-Y, गे। या फिर आप इसे समलैंगिक भी बोल सकते हैं, मतलब सेम सेक्स के तरफ अट्रैक्शन होना। आई जस्ट होप की वीडियो आप सबसे हेल्पफुल है, वीडियो हेल्पफुल है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं न्यू वर्ड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।